लखी, अपन विस्तार से बात करते हैं जो आप कह रहे हैं। जी जी, देखो प्रॉब्लम ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ प्रॉब्लम है जी, और कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, वो तो बड़ी बात है, ठीक है ना। और वो सब अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, सभी कैंडल्स को टिकट दे रहे हैं, सभी आपकी जो है गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं जी। आपको जो है ना फ्री भी बांट रहे हैं, फ्री भी में आपको जो है ना थड़ा गड़ा जो है ना अन्न दे रहे हैं। तो इन राजनीतिक पार्टियों के सबॉर्डिनेशन पे काम नहीं करेंगे जी, नहीं मतलब एक्चुअली अपने कहने तो भाई साहब अपन है ना पार्टी के अंदर भी देखे बीजेपी में भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जिस पार्टी में है बना रहे जी, क्राइम फ्री भारत जो है ना उसके लिए एक अलग आइडेंटिटी रहेगी। हाँ मतलब वही, मतलब एक्चुअली मैंने पार्टी में भी रह के है ना जो उनसी चीज मुझे पार्टी के मतलब लगती है, मैं समय समय पे वो चीजों को मुद्दा उठाता हूँ मैं पार्टी में। देखिए आपको जो वहाँ उठाना है उनको उठाइए आप जी, मेरा ये कहना है कि आप जितने लोगों को जोड़ना चाहते हैं उनको जोड़िए जी, उनसे अपन जो है जो उनमें से प्रमुख लोग होंगे लगेगा तो अपन उनसे यूट्यूब चैनल पर संवाद भी करेंगे जिससे उस संवाद को दुनिया जाने। देखिए जो हम बातचीत करते हैं वो बातचीत जो है एक एनर्जी है जी जी, किसी को तो एनर्जी डालना पड़ेगी। हाँ एनर्जी की तो बहुत जरूरत है भाई साहब, कोई व्यक्ति तो जो है ना एक सोच लेके आए, तो हम एक सोच लेके आए हैं कि हम भारत को जो है इन्हीं संसाधनों में अवेयरनेस ला देंगे जी जी। अब ये बात तो कोई राजनेता नहीं और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कह पा रही, नहीं नहीं कह पा रही, तो फिर समझो कि मैथिली शरण को कैसे करेंगे वो समझो। वो ठीक है, मतलब एक्चुअली भाई तो अपने कने जो हमारे लिए राजनीति के साथ साथ मतलब है ना देश पहले है ना, भारत के लिए जितना भी डिफेंड है उतना, लेकिन राजनीति में सही नहीं है। देखिए राजनीति में जो है लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी वो क्रिमिनल्स को वोट दे रहे हैं जी जी, राइट। अब आप ये बताइए कि ये दुष्टता नहीं है कि इस देश में चपरासी के लिए शिक्षा भी चाहिए और साक्षरित होना भी चाहिए, इस देश में कानून बनाने वाले को साक्षरित नहीं होना चाहिए, बनी बात होना चाहिए। आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के बार बार अनुनय बनाए करने के बावजूद भी ये नियम कानून क्यों नहीं बना रहे हैं जी, ये तो सही। आप ये बताइए कि जो आईएएस आईपीएस हैं जिनको 2004 के पहले पेंशन मिलती थी वो अपनी जिंदगी जो है ना बिना रिटायरमेंट के बाद क्या होगा ये सोचे, वो पूरे अपनी शक्ति से अपनी सोच से, जिनकी सोची नहीं है वो दुष्टता करते रहेंगे, लेकिन जिनकी सोच है कम से कम वो तो जो है ना बिना रिटायरमेंट की चिंता पाले सेवा करेंगे जी। आपने उनसे पेंशन हटा ली इसका मतलब है, और जो थोड़ा बहुत ईपीएफ पीएफ वगैरह बना रहे हैं उसको कब जो है ना हर्षद मेहसा जैसे लोग लो ना लूट ले जाएं कोई भरोसा नहीं, राइट जी, जी। कब जो है ना उनका जो है पैसा गायब हो जाएगा वो भी वो नहीं है। तो आज जो ब्यूरोक्रेट है वो यही सोचता रहेगा कि साहब हम कैसे जो है हमारा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मतलब आपने उसे देश सेवा की बजाय अपनी सेवा के लिए व्यवस्था कर दिया कि नहीं कर दिया जी, क्या उसको जो है भ्रष्टाचार बंद करने के लिए आपने एक नई सोच नहीं दे दी जी, क्या भ्रष्टाचार में साझेदारी के लिए एक नई सोच नहीं दे दी है, राइट राइट। आप ये बताइए आर्टिकल 370 जब भाजपा ने हटाया तो पूरे देश ने जो है ना इसको सिर पे बिठाया कि नहीं बिठाया, बिठाया। तो फिर जो है जिन्होंने जो है भारत को मैं जो है ना भारत का हिस्सा होते हुए भी मस्जिदों से ऐलान करके कहा और रेप किया मर्डर किया, ऐसे लोगों के बहुत सारे लोगों के वीडियो रिकॉर्ड अवेलेबल है, कम से कम जिनके वीडियो रिकॉर्ड है उनको तो जेल में भेजो, उनको तो कम से कम कन्विक्ट करो, बनी बात है। आपने जो है ना उनको उनके ही घरों में जो है ना नजरबंद रखा और वीआईपी सेवाएं दी, और इसके बाद उसको एक्सटेंशन करने के बाद भी आपने जो है ना उनको बाहर निकाल दिया, फिर आपने एक अपनी जम्मू एंड कश्मीर पार्टी को जो है ना प्रेशर दिया और उस जम्मू कश्मीर पार्टी में वही लोग हैं जो विघटनकारी शक्तियां हैं, एक उसमें एक जो है फाइनेंसर है जो सभी जो है ना विघटनकारी शक्तियों को फाइनेंस करता था, उसको माननीय मोदी जी ने अपने जो है बंगले पर एक घंटे तक का समय दिया और फोटो खींचे, वो फोटो पूरे देश में जारी हुए। अभी जो है एमएचए ने एक डोमिसाइल पॉलिसी जारी की है जिसके तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर में 15 साल रहने आवश्यक है, राइट। जो व्यक्ति 15 साल नहीं रहेगा उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जी, तो उसे जो है ना
जम्मू एंड कश्मीर में कोई नौकरी नहीं मिल सकती है। जिन पंडितों को उनके परिवारों को रेप करके मर्डर करके भगा दिया, अब वो 15 साल से तो वहां नहीं रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जी, उन्हें वहां नौकरी भी नहीं मिलेगी जी। तो अब मोदी जी की क्या व्यवस्था है कि पीछे के डोर से आर्टिकल 370 ला रहे हैं? उसकी भी भाई साहब, उस पे भी है ना मंथन चल रहा है, और उस पे भी है ना बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है वहां पर। नहीं भाई, मेरा ये कहना है ऐसा कर क्यों रहे हो? जब तुमने वही सब करना चालू कर दिया है तो फिर हम दूसरों को कैसे गाली दे रहे हैं? आर्टिकल 370 आपने 20 करोड़ से लिया है। अदर भाई, आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट में ये प्रावधान क्यों रखा 15 साल का? वो प्रावधान भाई साहब कुछ सी कारणों से रखा है, और हम जो है ना हम मूर्ख जैसे कारणों को खोजते रहे और आप बताए ना। वाह, कैसा कैसा देश है ये, कैसा देश है कि जहाँ के यहाँ का प्रधानमंत्री मरता है विदेशी लैंड पे और उसका शरीर नीला पड़ जाता है और उसकी पत्नी कहती है कि इसका जो है पोस्टमार्टम कराया जाए। एक आम जो है ना व्यक्ति को थोड़ा से भी संदिग्ध परिस्थिति होती है तो उसका मर्डर जो है ना पोस्टमार्टम कराया जाता है। देश के प्रधानमंत्री की पत्नी की वो इच्छा भी पूरी नहीं की कि उसका प्रधान जो है ना पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाए। कौन सी विघटनकारी शक्तियां हैं जिनके सामने हमारे ये राजनेता विवश हैं? तो मेरा सोचना यह है कि सब पार्टी वार्टी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। एक दुष्ट जो है केजरीवाल आया जी। उस दुष्ट ने जो है IIT का ग्रेजुएट है वो, उसको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, NGO भी वो चला रहा था जी। वो आया और उसने कहा कि अरे भाई हम तो जो है देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और उसके लिए लोकपाल एक्ट होगा तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, राइट जी। अन्ना जी ने जो है ना उसके बात से जो है ना सोच के साहब ये ठीक कह रहा होगा, IIT का पढ़ा लिखा अच्छा विद्वान आदमी है तो ये अच्छी ही बात कर रहा होगा, राइट जी। वो भी अनशन पे बेचारे बैठ गए इनके साथ में जी। लोकपाल एक्ट बन गया, 4-5 साल से लोकपाल महोदय भी उस पर विभूषित हैं। आपको उनका नाम मालूम है क्या? किनका भाई साहब? लोकपाल, लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल ऑफ इंडिया का क्या नाम है आपको मालूम है क्या? नहीं है। जिस लोकपाल एक्ट के माध्यम से इस देश को जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त किया जाने वाला था वो इतना घटिया बनाया गया कि जो है उसमें जो है उसके लोकपाल का नाम भी नहीं मालूम है कि लोकपाल कैसे लोगों को लोकपाल बनाया गया। इसका मतलब ये है कि सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अभी तो इसमें किसी भी पार्टी में कोई फर्क नहीं जी भाई, आप बात समझ रहे हो ना। इसमें मैं भाजपा को भी लपेट रहा। नहीं नहीं मैं समझ, भाजपा के कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जैसे नितिन गडकरी साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैंने उनको अभी सुना तो मैं उनका तो कायल हो गया कि वो जो है रोड के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल के लिए क्या कर रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं। मजा आ गया उसको सुन के। मेरी मेरी इज्जत जो है ना नितिन गडकरी के लिए 100 गुना बढ़ गई। अच्छा, अनुराग ठाकुर जी भी अच्छा काम करते हैं अनुराग भैया। यार देखो, मेरा ये कहने का मतलब है यदि अनुराग जी अच्छा कह रहे हैं तो जो बीजेपी गड़बड़ कर रही है उस पर क्यों नहीं कह पा रहे हैं? वो उनका मुंह क्यों बना हुआ है? वो अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो व्यक्ति जो है ना सही बात कहने की हिम्मत और औकात नहीं रख रहा है वो बिल्कुल खराब है, वो खुदगर्ज है, बदमाश है। आपको एक मुखौटा क्यों चाहिए? यदि आप देश के देशभक्त हैं तो अपनी देश की बात अच्छे ढंग से नहीं कह सकते हैं? जी जी, नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पूरा समझ रहा हूँ। ये बताइए, इस देश की क्या मजबूरी है कि 42% जो है ना क्रिमिनल्स हैं और हर पार्टी जो है ना क्रिमिनल्स को टिकट दे रही है क्योंकि उनकी जीतने की संभावना ज्यादा है। ये कौन सी विडंबना है कि साला एक मुख्यमंत्री अपने लड़के को जो है ना टिकट दिलवाता है, फिर वो उसको जिताता है और पहली बार में ही उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना देता है और आगे में जो है वो स्वप्न जो है ना जब वो पैदा हुआ था तभी से देखता है कि मैं ऐसे मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये क्या विडंबना है? ये कैसा देश है? कैसी डेमोक्रेसी है जहां पे जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और फ्री भी बांटकर जो है उस फ्री भी में जो है ना कहते हैं 1 रुपए किलो चावल देंगे, 2 रुपए चावल देंगे जिसे जानवर भी नहीं खाएगा। आपने हमारी गरीबी का इतना मजाक उड़ाया है। आप चुनाव में दारू बांट रहे हैं, आप पैसे बांट रहे हैं, आप साड़ी बांट रहे हैं, ये है आपकी मेरिट। पर भाई साहब MP में मतलब जो राशन बटा, मतलब ऐसा राशन है जो हर परिवार ने, मतलब इतना बढ़िया तरीके से क्वालिटी का राशन है MP का। मैं
गारंटी से कह सकता हूँ, क्यों, बहुत से राशन देखो दुकान सवाल वैसे है ये ना, मैं हमने गारंटी की वितरण नहीं किए है, हैं। सवाल ये है कि हम फ्री में राशन बांटने की बजाय राशन खरीदने की क्षमता क्यों पैदा ना करें। क्राइम फ्री भारत मॉडल कह रहा है कि हमारा हर गरीब व्यक्ति 48,000 रुपीज पर मंथ से कम नहीं कमाएगा, जी ऐसा ऐसा समर्थ मॉडल क्यों नहीं लाते हैं। हमने आपको राशन अच्छा दिया ये कहने की बजाय वो खुद अच्छा राशन आदमी अपने अपने से क्यों ना खरीद ले। यदि आपको उसको कुछ सब्सिडी देना है तो दे दीजिएगा, जी वो आपका राशन क्यों खरीदे, वो आपकी दुकान के सामने क्यों जाए। भाई आप मुझे गरीब मान रहे हैं तो हम खरीदेंगे, आप उसको सब्सिडी दे देना जितने पे देना चाहते हो, 1 किलो पे, 2 किलो पे, 5 किलो पे। पर सब्सिडी देने से भाई साहब ऐसा भी है ना, सब्सिडी दे दी जाए तो उस परिवार का मान लो कोई व्यक्ति शराबी है और सब्सिडी निकाल तो के वो उस जो है ना शराब शराबी पी को, शराबी को शराबी आपने तो बनाया है, आपकी तो ही अल्कोहल की पॉलिसी है। आपके जो है ना ठेकेदार पाउच में जो है ना गांव गांव में जो है ना आपने शराब पहुंचा दी, ये किसकी कुछ से सोच है, इन्हीं राजनेताओं। गांव में कितना अच्छा वातावरण रहता था, आई डोंट नो तुम गांव से जुड़े हुए हो कि नहीं जुड़े हुए हो, गांव में एक बहुत अच्छी सोच रहती थी, बहुत अच्छा वातावरण रहता था कि नहीं रहता था। जी, मैं भी गांव को बिलोंग करता हूं, वहां इवन छोटी जाति का जी, जिसको दलित कहते हैं, दलित दात के का गांव का दम का जाति का दमाद भी को गांव दमाद कहा जाता था। अच्छा, और बिना किसी जाति के भेदभाव के उसे गांव दमाद की इज्जत दी जाती थी, ऐसा हमारे गांव में तो था। अच्छा, उस गांव को जो है ना इन्होंने पार्टियों में बांट दिया जी, हर गांव में राजनीति ला दी। और कितनी अच्छी राजनीति लाई कि जो सरपंच बनता है उसके पास बोलेरो से लेकर हर चीज आ गई, आप किसी का भी ले लीजिए, ये बात सही नहीं है। अपने आसपास देख लीजिए कि जो सरपंच बना वो जो ना उसके ठाट वाट बन गए कि नहीं बन गए। जी जी, मतलब आपने भ्रष्टाचार की रेवड़ी जैसे जो है ना उसमें होता है ना शेयरिंग ऑफ स्पाइल, अमेरिकन सिस्टम है कि अब सत्ता मिल गई है तो बांट लो, जी तो वही तरीका हो गया है। नहीं, आप अपने आसपास ऐसे सरपंच देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं जिन्होंने बिना कुछ समय में जो है ना गाड़ियां खरीद ली और वो रातों रात धनी हो गए। जी जी, पर एक्चुअली भाई साहब मतलब हमको डिफेंड मत करिए, यदि आप डिफेंड करेंगे तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के पपेट हैं। क्या आप एक नेशनलिस्ट, क्या आप भारत के सिटीजन हैं, क्या आप राष्ट्रहित की बात निर्भीकता से कह सकते हैं, अदरवाइज आप एक टट्टू हैं जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो। आपकी अपनी कोई पहचान, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं, तो जो मैं कह रहा हूँ उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करिए ना। नहीं, मैं तो उसको सुन रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। नहीं तो मेरा ये कहना है कि हम एक समृद्ध भारत का निर्माण करें। आप सुनिए हमारी बातें, हम कैसे समृद्ध भारत लाएंगे, सुनिए। अभी आप, आपने आपने देखा होगा, आप उसको सुनिए जी, आप बताइए। कि और दूसरी बात यह है कि पड़ोसी में जो है ना सरदार भगत सिंह पैदा मत करिए, अपने घर में और खुद को सरदार भगत सिंह की जो है ना के बनने की, बनाने की और बनने की औकात रखिए। जो देश को आप सपना देखना चाह रहे हैं वो सपना पैदा को जमीन पर उतारने के लिए हमारी क्या भूमिका होगी ये सोचोगे तो हम उसे कर ले जाएंगे। यदि आप ये सोचेंगे कि ये भूमिका जो है ना प्रधानमंत्री की होगी और मुख्यमंत्री की होगी तो कभी नहीं होगी। उनके भारत उनके, भारत में सब व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका पे वो जागरूक तो होना पड़ेगा हर अब, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम जो जैसे मान लो हमने एक मॉडल दिया है कि इस मॉडल में, उस मॉडल में आप अपनी भूमिका खोजिए, आप ये बताइए कैसी डेमोक्रेसी है कि जो है ना एक नेता का बेटा जो है ना वो उसको नेता बना दिया जाता है, तत्काल वो कैबिनेट बन जाता है, उसको जो है ना मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित अपने करने का सपना जब वो पैदा होता है तभी से जो है ना उसका बाप देखने लग जाता है। ये क्या सभी पार्टियों में नहीं हो रहा है? लोग बाग अपनी ही पत्नी को जो कि अनपढ़ है उसे मुख्यमंत्री बना देते क्योंकि उसे दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं। लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है क्या? ये सरकार जहां एफआईआर नहीं लिखी जा रही है क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो संविधान के शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में दी गई है एंट्री 2 में, क्या वो जो है इस कर्तव्य का जो संवैधानिक कर्तव्य है इसका निर्वहन करने से फेल नहीं हो रहे हैं क्या? यदि आम जनता को अपनी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है तो क्या ये संविधान की मशीनरी की फेलोर नहीं है क्या?
और यदि ये संविधान की मशीनरी की फेलवर है तो इसे जो है आर्टिकल 356 में ऐसी सरकार को डिसमिस क्यों नहीं कर रहे हैं। एक सरकार को अपराधों के पंजीयन ना होने के लिए आप डिसमिस करके देख लीजिए, कल से आपकी जो है सब FIR 2 मिनट में लिखी जाने लगी। क्या कहते हैं आप जी? तो हम तो कह रहे हैं कि हम बिना संसाधन के सशक्त भारत पैदा करेंगे, जहां पे धन की नदियां बहेंगी, जहां पे कोई गरीबी नहीं होगा, जो हमारा कोई बोर्ड जो है ना फ्री भी बांट के, पैसे बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के नहीं ले पाएगा। ऐसे भारत का हम निर्माण क्यों नहीं कर सकते? यदि मैथिली शरण गुप्ते सोच पा रहे हैं तो आप उसमें अपनी भूमिका क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? ठीक है भाई साहब, हमारी आप बताना जो भी भूमिका है। नहीं नहीं नहीं, देखिए 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 देखिए, आप हमारी बात को सुनिए, हम आपको भेज रहे हैं राइट जी, और उसमें अपनी भूमिका तलाशिए, उसको कहिए कि साहब मैंने आपकी बड़ी बात को 2 बार सुना, 3 बार सुना, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि साहब इसमें मेरी ये भूमिका हो सकती है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, राधा देन जो है ना, जैसे अभी की पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं कि चलो जाओ वहां पे ये करना, चलो जाके वहां पे दंगा देना, चलो वहां पे धरना देना, ये देखो हेडक्वार्टर से आदेश आया है, तो बस ही बात हो गई। क्या जो एक संरचना बताई जा रही है उस संरचना में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की क्या भूमिका हो सकती है, किसानों की क्या भूमिका हो सकती है, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जिनको आप लेबरर कहते हैं, उनको हम लेबरर नहीं कहेंगे, उनको आगे चल के हम वॉलंटियर्स करेंगे, उनको मशीनें दी जाएंगी, उनको जो उनसे वो काम कराया जाएगा कि जिसमें उन्हें कम मेहनत करना पड़ेगी और वो कम से कम 48,000 रुपीज पर मंथ के इक्विवेलेंट जो है ना उनको वैल्यू मिलेगी जी। यदि ये संभव है तो इसे जमीन पे क्यों नहीं उतारा जाए जी। क्या सोचते हैं जी भाई साहब? आप तो आप इसको बारीकी से सुनिए और अपनी भूमिका खोजते हुए और फिर जो है ना मुझसे दोबारा बात करिए कि साहब मैंने आपकी बात को, आपको लगे तो 2-3-4 जो भी है उन चीजों को बहुत ध्यान से सुनिए, 2-2 बार सुनिए और कहिए कि साहब आपको सुन के मैंने अपने लिए ये भूमिका सोची है जी, जी जी, क्योंकि दूसरों के लिए तो हर कोई सोचता रहता है जी, दूसरों जी, जी। दूसरे कहाँ से आएंगे, हम सब मिलकर ही तो बने हैं ना, बनी बात है। तो आओ जो है ना ये चोला पहने हुए पार्टियों को उखाड़ फेंकें, एक अच्छी व्यवस्था 2024 में लाके दिखाएं जी। जी भाई साहब, आपको कुछ बात ठीक लग रही है? ठीक लग रही है, इसलिए तो भाई साहब मैंने वो मैं अब उसको आप पूछाते हो तो मैं उसे रिपीट सुनता हूँ मैं, है ना, और फिर मैं आपको आप 2-3 बार उसे सुनिए और फिर एक रणनीति के साथ आइए कि साहब हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ये मत कहिए कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। नहीं नहीं, अब मैं उसको पूरा सुन लूं, मैं फिर मेरी क्या भूमिका रहेगी, किस भूमिका में मैं काम कर, फिर मैं पूरी आपको सेटल बताता हूँ। ठीक है, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं जी? लक्की, लक्की राम जी। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हैं आप जी? मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस जगह के जी? भोपाल। आप भोपाल के रहने वाले हैं, चलिए। तो आप जो है ना भाजपा से जुड़े हुए हैं जी? आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी की भी सोच को प्रभावित करिए जी। जी जी, उल्ट आप भारतीय जनता पार्टी की सोच से मत चलिए, आप राष्ट्र की सोच से चलिए और जनता पार्टी की भी सोच प्रभावित करिए जी। जी जी, इन राजनेताओं को अपना मसीहा मत बनाइए, देश प्रेमियों को अपना मसीहा बनाइए जी। जी जी, ठीक है, चलिए, मैं मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा जी। चलिए, भगवान आपको खुश रखे और ये संदेश जन जन तक पहुंचे, और जैसे आपने फोन लगाया है ऐसे और भी अच्छे लोग फोन लगाएं, जुड़ें जी, और जी, 2024 में नए आगाज को जमीन पे स्थापित करें जी। जी, ठीक है जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत।